और प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के लिए जो किया है, विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम को बनाने के लिए मोदी जी ने 10 साल में बहुत कठिन परिश्रम भी किया है। नमस्कार दोस्तों, केदारनाथ उपचुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड भाजपा एक बार फिर मोदी मोदी नाम का जाप करने लगी है, मोदी नाम की माला जपने लगी है। बद्रीनाथ और मंगलोर की हार के बाद बीजेपी के भीतर केदारनाथ को लेकर हलचल तेज है, कयास और अटकलें बहुत सारी हैं। दो चुनाव हारने के बाद अब कहीं केदारनाथ भी उनके हाथ से न निकल जाए, इसके लिए मोदी के नाम की माला फिर से जपी जा रही है। सवाल यह भी है कि क्या धामी और महेंद्र भट्ट की जोड़ी पर उत्तराखंड भाजपा अब यकीन नहीं कर पा रही है? क्या धामी के नेतृत्व में जो धमक की बात होती थी या जिस तरीके से अलग अलग चीजें होती थी, उन सबको दरकिनार कर अब सिर्फ मोदी ही केदारनाथ में नया पाल लगा सकते हैं? एक तरफा है, मैं अभी दो बार तीन तीन दिन का दौरा कर वहां पर आया हूँ और प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के लिए जो किया है, अगर आप लोग गए होंगे तो केदारनाथ का जो कायाकल्प किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उन्होंने कहा था कि आने वाला दशक केदारनाथ की धरती से उत्तराखंड का होगा। और वही जो अभी जुलाई में आपदा आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 10 करोड़ का पैकेज वहां के घोड़े वाले छोटे दुकानदार वहां के स्थानियों को दिया, जिसमें 5,600 लोग आबादी हुए हैं, उसका भी संदेश केदारनाथ में है और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से चुनाव को जीतने वाली। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भले ही यह कह रहे हों कि उपचुनाव एक तरफा है, लेकिन उसी एक तरफा चुनाव के लिए अगर मोदी के नाम की माला लगातार जपनी पड़ रही हो, मोदी मोदी करना पड़ रहा हो, हर जगह मोदी का जिक्र हो रहा हो, केदारनाथ के लिए मोदी ने क्या किया, केदारनाथ के लिए मोदी क्या करने वाले हैं, मोदी से कैसे उत्तराखंड को उम्मीदें हैं, या मोदी ने उत्तराखंड के लिए क्या क्या कर दिया है, यह सब रटना पड़ रहा हो तो जाहिर है कि एक संदेश जाता है कि संभवतः बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर डर है कि कहीं बद्रीनाथ और मंगलोर की तरह केदारनाथ भी हाथ से न निकल जाए। चुनौतियां बड़ी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, भले ही यह उपचुनाव हो रहा हो, लेकिन सवाल बीजेपी की साख का है, इसीलिए मोदी की चादर ओढ़ी जा रही है। बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, केदारनाथ ऐसी भी एक ऐसी सीट है जहाँ पे माननीय मोदी जी का बहुत बड़ा लगाव है केदारनाथ धाम से। देश के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 7-8 बार केदारनाथ धाम आ गए, जिन्होंने केदारनाथ कायाकल्प करने में कोई अपनी कमी नहीं छोड़ी, केंद्र की पूरी सपोर्ट हमको मिली। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम को बनाने के लिए मोदी जी ने 10 साल में बहुत कठिन परिश्रम भी किया है। वहाँ की जनता बहुत विश्वास करती है माननीय मोदी जी के ऊपर। उपचुनाव में मोदी के नाम का जिक्र होना यह बताता है कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। संभव यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में केदारनाथ के दर्शन करने हेतु आएं, क्योंकि अब केदारनाथ के कपाट नवंबर के शुरुआती हफ्ते में बंद होने हैं और यह संभव है कि मोदी उसी दरमियान तो केदारनाथ आए, तो वहां से भी एक संदेश जाएगा कि किस तरीके से अब आगे की राजनीति होनी है। लेकिन इतना तो तय है कि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी काम का नहीं, मोदी के नाम का सहारा लेना चाहती है ताकि नतीजे बद्रीनाथ और मंगलोर जैसे ना आए। साथियों, आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से आप हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी ही अगली रिपोर्ट में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।